नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सपर्ट रेडियोलॉजी। मैं नरेश गहलोत, सीनियर रेडियोग्राफर एम्स जोधपुर। दोस्तों, मैं लाया हूँ एक बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ टेस्ट सीरीज जो एम्स, RRB, SSB, RPMC तमाम एग्जाम बेस पर आधारित है। दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इमेज क्वालिटी टॉप 20 MCQ। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द। दोस्तों, यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्यूब वोल्टेज। द एक्सरे ट्यूब वोल्टेज एवरेज फोटोन एनर्जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट। दोस्तों, आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मैक्सिमाइजिंग फिल्म कॉन्ट्रास्ट इज मोस्ट लाइकली द फिल्म। दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्टिकल डेंसिटी। फिल्म ऑप्टिकल डेंसिटी इज क्रिटिकल, जो क्या होता है, लाइट एंड डार्क फिल्म्स हैव वेरी लिटिल इमेज कॉन्ट्रास्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों आज का, फिल्म कॉन्ट्रास्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू। दोस्तों, फिल्म कॉन्ट्रास्ट किसके इनवर्सली रिलेटेड टू होता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लेटीट्यूड। मतलब फिल्म का कॉन्ट्रास्ट जितना ज्यादा होगा उस फिल्म का लेटीट्यूड उतना ही कम होगा, और फिल्म कॉन्ट्रास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटीट्यूड एंड द फिल्म कॉन्ट्रास्ट प्रोपोर्शनल टू द ग्रेडियंट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर आज का, स्क्रीन फिल्म मेमोग्राफी कॉन्ट्रास्ट इज लाइकली इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग। दोस्तों, यहाँ ऑप्शन ई राइट है, फिल्म ग्रेडियंट। अ हाई फिल्म ग्रेडियंट इन मेमोग्राफी रिजल्ट इन हाई इमेज कॉन्ट्रास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों आज का, फिफ्थ क्वेश्चन, इंक्रीजिंग द केवी अलोंग इन सिटी स्कैनिंग वुड मोस्ट लाइकली रिड्यूस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मोटल विल बी रिड्यूस एट हाई केवीपी बिकॉज मोर एक्सरेज आर प्रोड्यूस एंड द एक्सरे बीम इज मोर पेनेट्रेटिंग विच इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिटेक्टेड फोटोन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है दोस्तों, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्केटर इन अ रेडियोग्राफ रिड्यूस। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, इमेज कॉन्ट्रास्ट। इमेज कॉन्ट्रास्ट इज रिड्यूस वेन स्केटर रेडिएशन इंक्रीज। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, ये एक इंटरेक्शन का टाइप होता है, फाइव टाइप के इंटरेक्शन होते हैं, कोरेंट, कॉम्पटन, फोटोलेग्रिक, पेयर प्रोडक्शन एंड ट्रिपलेट प्रोडक्शन। सो जिसमें स्केटर ज़्यादा होगा दोस्तों, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्केटर इन रेडियोग्राफ, तो इमेज क्वालिटी को, वो इमेज कॉन्ट्रास्ट जो है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन चलते हैं दोस्तों, स्पेशल रेजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट वेन डिटेक्टिंग लीजन दैट आर करेक्टराइज एज बीम। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों, स्मॉल साइज। दोस्तों, स्मॉल साइज के जो लीजन है उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो क्या करता है, डिटेक्टिंग लीजन दैट आर करेक्टराइज स्मॉल साइज। ओके, स्पेशल रेजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट फॉर डिटेक्टिंग डिफ्रेंशिएटिंग एंड करेक्टराइजिंग लीजन दैट हैव अ स्मॉल साइज। क्वेश्चन नंबर एट चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एट, रेडियोग्राफिक स्पेशल रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस कैन बी बेस्ट इम्प्रूव बाय रिड्यूजिंग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों, डिटेक्टर थिकनेस। डिटेक्टर थिकनेस इज इम्पोर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन परफॉर्मेंस। क्वेश्चन नंबर नाइन चलते हैं दोस्तों आज का, नाइन्थ क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग द डिटेक्टर थिकनेस टू एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज विल मोस्ट लाइकली इंक्रीज इमेज कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ब्लर। इमेज ब्लर विल इंक्रीज विद अ थिकर एक्सरे डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर टेन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टेंथ है, द मोस्ट लाइकली लिमिटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मैग्निफिकेशन इज एन इंक्रीजिंग इन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, फोकल ब्लर। फोकल ब्लर इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन मैग्निफिकेशन इमेजिंग। दोस्तों, ये क्वेश्चन एम्स दिल्ली में
2023 के अभी लेटेस्ट पेपर में ही आया था। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, डिजिटल फ्लोरोस्कोपी स्पेशल रिजोल्यूशन वुड मोस्ट लाइकली बी इम्प्रूव्ड बाई इंक्रीजिंग द ऑप्शन ए। ई यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ई है दोस्तों, इमेज मैट्रिक्स। इंक्रीजिंग द इमेज मैट्रिक्स साइज विल नॉर्मली इम्प्रूव स्पेशल रिजोल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज मैट्रिक्स साइज आप बढ़ाते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन भी इम्प्रूव होगा। क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरे क्वांटम मॉडल इज बेस्ट करेक्टराइज बाई क्वान्टिफाइंग। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, डिटेक्टर एयर कर्मा। द डिटेक्टर एयर कर्मा डिटरमाइंस द नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन यूज टू मेक एन इमेज। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं दोस्तों। फॉर कंपेरेबल इमेज मॉडल इन एन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ विच इमेज रिसेप्टर वुड लाइक रिजल्ट इन द हाइएस्ट पेशेंट टूस। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर रिक्वायर मोर रेडिएशन एज इट मस्ट बी थिंक टू मिनिमाइज लाइट स्केटर ड्यूरिंग द रीड आउट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 14, द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इमेज मॉडल इन अ रेडियोग्राफिक फ्लैट पैनल डिटेक्टर इज मोस्ट लाइकली। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल एज वर्चुअली ऑल रेडियोग्राफ एंड सीटी इमेजिंग इज क्वांटम नॉइज लिमिटेड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, सीटी इमेज मॉडल इज लीस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग द। ऑप्शन ई इज करेक्ट है, विंडो विड्थ। द डिस्प्ले विंडो विड्थ विल नॉट अफेक्ट द इमेज डाटा। बिल्कुल, जो विंडो विड्थ है वो इमेज डाटा को कोई किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करता है। ओनली द वे इट अपीयर ऑन द मॉनिटर, एक तरीका है जो मॉनिटर के ऊपर अपीयर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन, सेंसिटिविटी इज गिवन बाय द। सेंसिटिविटी किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ट्रू पॉजिटिव फ्रैक्शन इज द सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, स्पेसिफिसिटी इज गिवन बाय द। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ट्रू नेगेटिव फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, रिलैक्सिंग द थ्रेशोल्ड क्रिटेरियंस इन द आरओसी स्टडी इंक्रीजिंग फॉल्स पॉजिटिव फ्रैक्शन एज वेल एज द टेस्ट। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ करेक्टरिस्टिक कर्व विथ अ हाई गामा लाइक रिजल्ट इन इमेज विथ अ हाई। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट, इमेज कॉन्ट्रास्ट। गामा इज द मैक्सिमम फिल्म ग्रेडियंट, हाई गामा प्रोड्यूस हाई इमेज कॉन्ट्रास्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, द बेस्ट अचीवेबल हेड सिटी लिमिटिंग रिजोल्यूशन यूजिंग द 512 स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 25 सेंटीमीटर फील्ड ऑफ व्यू इज मोस्ट लाइकली। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वन लाइन पेयर पर mm, सिंस द पिक्सल साइज इज 0.5 mm इज करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।